आपको मुंबई में हुए लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स 2019 का आयोजन हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण, कृति सेनन, तापसी पन्नू, अजय देवगन जैसे बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए। इस अवार्ड फंक्शन में अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया दोनों ही रेड कार्पेट पर नजर आई। एक बार फिर मलाइका का अंदाज देखने लायक था। ऑफ वाइट प्रिंटेड ड्रेस में मलाइका काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं उनके एक्स हस्बैंड अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया ब्लैक कलर के आउटफिट में बहुत ही हॉट लग रही थी। दीपिका पादुकोण इस इवेंट में निर्देशक मेघना गुलजार के साथ पहुंची थी। दीपिका यह रेड कलर की फ्लोरल रेड साड़ी में काफी खूबसूरत नजर आईं। एक्ट्रेस तापसी पन्नू शिमरी वाइट साड़ी में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी और कृति सेनन ने मरून और सिल्वर फ्लोरल लहंगा और क्रॉप टॉप पहना हुआ था और उसके ऊपर मेहरून नेट जैकेट उनके लुक को परफेक्ट बना रहा था। दोनों इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनने पहुंचे। वहीं एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। आयुष्मान ने ब्लैक कलर के सूट पर गोल्डन शिमरी ओवरकोट पहना हुआ था और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप भी खूबसूरत फ्लोरल लेंथ गाउन में नजर आई। मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी छिल्लर भी इस इवेंट में पहुंची। मानुषी छिल्लर ऑफ गोल्डन कलर की साड़ी कैरी कर इवेंट में पहुंची, जहां उनके जलवे देखने लायक थे। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला हमेशा की तरह अपने हॉट अंदाज में नजर आई। उर्वशी ने डार्क ग्रीन और क्रीम शेड की ड्रेस पहनी हुई थी और सिल्वर इयर रिंग्स के साथ इसका मिक्स एंड मैच किया। उनका ये लुक काफी शानदार था। लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड 2019 में निसरत भरूचा, अमायरा दस्तूर सहित और भी कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की और रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।